ये मेरा सदस्यता मेरी को बहाल करने के लिए मेरी निरस्त कर दी थी सदस्यता, तो मैं एक न्यायालय में गया था सहकारिता में, तो वहां मैंने केस लगाया कि मेरी प्लाट वापस मिल जाए और मेरा सदस्यता बहाल हो जाए। तो इन महाशय ने स्टे की कॉपी मतलब नहीं दी मेरे को कि स्टे हो गया है, आप 20,000 रूपये दो। तो मैंने 28 तारीख को इनको 10,000 रूपये दिया। अब बोलते शेष 10,000 रूपये और दे दोगे तब आपको स्टे की कॉपी मिल जाएगी। आज मैंने यहाँ पर 10,000 रूपये दिया हूँ दानवर वकील के घर के सामने, फिर भी अभी मेरे हाथ में स्टे की कॉपी नहीं है। किस चीज का मेरा प्लाट वापस मिल जाए गृह निर्माण समिति का, जो मैं सदस्य हूँ 20-22 साल से, और मेरी सदस्यता बहाल हो जाए। मेरा प्लाट क्रमांक 17 नंबर था, तो नहीं मान रहे सर, तो स्टे हो गया है। स्टे के एवज में ये पैसे मांग रहे थे कि स्टे दिलवाते हैं तुमको, 20,000 रूपये देंगे। आपकी सदस्यता कैसे होगी सर? मेरे को कोई सूचना नहीं मिली भैया, सामने देख के बात। मेरे को कोई सूचना नहीं मिली सदस्यता की। कोई भी आम बैठक होती, कोई भी निर्णय होता है तो साधारण पोस्ट से भी लेटर मिल जाता है, कोई सूचना नहीं मिली। मैं जब खंडवा में पोस्टिंग थी तब मेरे को पता चला कि ऐसा सा मामला है, और फिर अक्टूबर के माह में खाली बंद लिफाफा राजेश ठाकुर करके जो है समिति के अध्यक्ष, उनने मेरे घर में भेज दिया। उस लिफाफे का केवल वजन 10 ग्राम है, वो अंदर खाली है और बंद लिफाफा मिला, और बोलते मेरे पास पावती है, आपकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कितनी रिश्वत की मांग करी थी और कितने आप दे चुके? 20,000 जो ट्रैप हुए वो, हाँ टोटल 30,000 रूपये मांग रहे थे। तो कोई तरीके से मैंने बोला भैया यहाँ वहां से करके मैं जुगाड़ करके 20,000 रूपये दे दूंगा। तो 28 तारीख को मैंने 10,000 रूपये दिए जिस दिन स्टे हो गया इनके कहने पे, और मैंने बोला 28 तारीख में व्यवस्था करके दे दूंगा। तो इनने स्टे की कॉपी उस दिन भी नहीं दी, आज दिनांक तक नहीं दी, आज मैंने 10,000 रूपये इनको दे दिया। लक्ष्मण प्रसाद राय कमिश्नर कार्यालय जौलपुर में पदस्थ थे, इनके द्वारा एक हाउसिंग बोर्ड सोसायटी कमिश्नर कार्यालय में निर्माण की गई थी, उसमें उनका एक प्लॉट था। समिति के अध्यक्ष ने इनके बिना जानकारी के इनका नाम उस प्लॉट के आवंटन से हटा दिया। इसके संबंध में उप पंजीयक न्यायिक सहकारिता विभाग के अंतर्गत होते हैं, इनके न्यायालय में उन्होंने एक मामला दायर किया था, तो उसके पक्ष में उनका स्टे ऑर्डर मिल गया था कि इनका नाम यथावत रखा जाए। उस स्टे ऑर्डर की कॉपी देने के बदले में उसी न्यायालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 राकेश शुक्ला, इनके द्वारा 10,000 रूपये की मांग की गई थी। 10,000 रूपये लेकर आज उन्होंने साईं बाबा मंदिर के पास बुलाया था, गेट नंबर 4 के पास उनको पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, कार्रवाई अभी जारी है। इसके ऑर्डर की कॉपी तो तुरंत सर्व होती ना? हाँ जी, देखभाल नहीं आए, नहीं संस्था वाले ले गए जहाँ से इनकी एक्चुअल कार्रवाई होना। इसके व्यक्तिगत होता व्यक्तिगत शामिल होगी कायदे से। अरे तो अपनी जो एडवोकेट थे ना, नहीं नहीं हम बताना, बोलिए इनका जो अध्यक्ष है वो पक्ष कार्रवाई में उसको मतलब मालूम है, उसके दस्तखत वही अध्यक्ष ने तो बेईमानी किया था, और नहीं पुष्टि हो गया इनके प्लाट पे, तो अब वो कार्रवाई नहीं करते। किसको मिलना चाहिए? हाँ ठीक है, अध्यक्ष को मिलना चाहिए ठीक है, लेकिन जो प्रभावित पक्ष उसको नहीं मिलना चाहिए। नहीं आए ना तो किसकी जिम्मेदारी? नहीं आया था लगाया, क्या नाम लिखता पूरा धंधा साहब? हाँ पूरा नाम क्या लिखते हैं? TM उनके वकील है, उन्हीं के पास बैठ के अपन पैसा भी ले रहा था। नहीं नहीं नहीं, उनके वकील ने इन्हीं ने बोला भाई जी गलत उसने वो कर दिया। तरीका अपन लोग जो सुधार है सही पंजे सहकारिता समिति का? नहीं नहीं उपायुक्त सहकारिता बड़ा कौन है? संयुक्त पंजीकृत है उपायुक्त बड़ा। सोसाइटी बनाए थे गृह निर्माण के लिए, तो
उसके लिए उन्होंने उपायुक्त सहकारिता समिति इनके यहाँ उन्होंने पिटीशन लगाया था भाई, इनका नाम जोड़ा गया सहकारिता समिति में, तो उसके बदले में उन्होंने 10,000 रूपये की मांग की इसके ऑर्डर देने के बदले में। तो आरोपी है अपने राकेश शुक्ला, ये साई ग्रेड 2 है, इन्होंने आज 10,000 रूपये लेकर साई बाबा मंदिर के पास बुलवाया गेट नंबर 4 के पास, 10,000 रूपये पकड़ लिए। ये चूंकि बाबू है तो स्टे ऑर्डर निकाल के देने के लिए आपके पक्ष में स्टे हो गया था लॉबी लेने की, मेरे कार्ड में नहीं रखेगा नहीं नहीं, वो वकील साहब के आने से उनकी बेटी की फोन में चले गए थे चेन्नई, तो उनको वो नहीं ले पाए, उनको मैं दे ही रहा था सर्टिफाई कर दी, वो जूनियर नहीं है उनकी कॉपी हो गई। जी 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 मदनमय थाने में है, यदि आपकी टीम हुआ तो यहां से कवरेज हो जाएगा, डिटेल आ रही मदनमय थाने में। जी लोकायुक्त का ट्रैक है मदनमल थाने का, बता रहे हैं 2-4 मिनट चलेगा हमारा।